हेलो एवरीवन, तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है, क्या हाइट के साथ मास और वेट चेंज हो सकता है? ठीक है, अगर आपका जवाब हाँ है तो इनमें से एक्चुअली में कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी और जो हम अभी सिस्टम लेकर चलेंगे उस सिस्टम में कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, ये आप लोगों को देखकर बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए इमेजिनरी केस लीजिए कि आप सड़क पर अपना वेट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो माहौल ऊपर अच्छा है लेकिन फिर भी मान लीजिए सड़क पर आप हैं, यहाँ पर एक वेइंग मशीन रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना वजन नाप रहे हैं। बेसिकली एक वेइंग मशीन आपका एक्चुअली में वेट नापती है या आपका मास नापती है? ठीक है, एक्चुअली में वेइंग मशीन आपकी आपका मास नाप रही होती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी वेट लगा, ठीक है, ठीक है, ये जो मेजर देता है ना, जो आउटपुट दिखाता आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 70 kg, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 70 kg, ठीक है, 70 kg, ये जो चीज आपको दिखाता है वेइंग मशीन, ठीक है, इट इज बेसिकली द वेट डिवाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली अर्थ की सरफेस पर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आपका वेट कितना होगा अर्थ की सरफेस पर, मास इंटू 9.8 एज इट इज होगा। ठीक है, और नीचे भी 9.8 ही है, तो ये वाली चीज कैंसिल होकर आपका मास ही देता है। बेसिकली ये 70 kg जो है ना, ये आपका मास है। ठीक है, लेकिन इन जनरल लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वेट कितना है, अरे भाई 70 kg, आपका वेट कितना है, अरे भाई 75 kg। ठीक है, वो बेसिकली मास बता रहे होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना 11वीं 12वीं में एनसीईआरटी वगैरह में, ठीक है, कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट मच किलोग्राम, मास ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट इज दैट ग्राम, दैट किलोग्राम। ठीक है, तो मास अपना यहाँ पर है, ठीक है, वेट नहीं है, बेसिकली मास। मेन क्वेश्चन अपना ये है, अब तक हम सड़क पर थे, सड़क पर वजन नाप रहे थे। ठीक है, मैंने आपको एक अंदाजा भी दे दिया है कि भाई किस तरीके से वेट वगैरह आपका यहाँ पर मेजर होता है, किस तरीके से मास वगैरह ये मशीन मेजर करती है। ठीक है, अगर सेम मशीन को उठाकर यहाँ सड़क से उठाकर मान लो आप पहाड़ों पर चले गए, ठीक है, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चले गए, मान लो बादलों से भी ऊपर आप यहाँ पर पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर उस सेम वेइंग मशीन को लेकर आप अपना वजन नाप रहे हैं। ठीक है, तो मुझे आप यहाँ पर ये बताएं, अगर आप यहाँ पर अपना वजन नापेंगे तो क्या आपका यहाँ पर वेट चेंज होगा? ठीक है, क्या आपका यहाँ पर मास चेंज होगा, ये आपको बताना है। और ये भी बताना कि ये तो हम वेइंग मशीन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, क्या वेइंग मशीन के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ चेंज होगा? आपको मुझे ये भी बताना है क्या एक्चुअली में मास चेंज हो रहा होगा, क्या एक्चुअली में वेट चेंज हो रहा होगा, वो भी चीज आपको बतानी है। हिंट के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, वैसे आप इसे बहुत से लोगों को बता भी होगा, कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, किस तरीके से चेंज होती है, ये सारी चीज आपको कैलकुलेट करके बताना। तो भाई कमेंट सेक्शन में भर दो बिल्कुल, बादलों के ऊपर करीब करीब एक थॉट प्रोसेस लेते हैं, एक्चुअली में तो नहीं है इतना कोई ऊंचा पहाड़, फिर भी थॉट प्रोसेस फॉर एग्जांपल ले लो कि भाई 10 किलोमीटर ऊंचा कोई पहाड़ है, जस्ट थॉट प्रोसेस, ठीक है, 10 किलोमीटर ऊंचा कोई पहाड़ है, यहाँ पर भाई साहब आपका उस सेम मशीन से जब आप वेट नापेंगे या फिर वजन कह लो, ठीक है, सेम मशीन से जो आप रीडिंग लेंगे, ठीक है, वहां पर क्या आपका मास कुछ चेंज होगा? जैसे कि पहले हम क्या कर रहे थे, सड़क पर नापा जब 70 किलो आया, यहाँ पर नापेंगे तो क्या 70 से थोड़ा बहुत कम ही सही, बहुत कम सही, क्या चेंज आएगा, वो आपको बताना, और चेंज आएगा तो कम होगा या ज्यादा होगा, तो ये दोनों चीजें आपको बतानी है, वेट और मास। ठीक है, जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भर दो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है पर आपको सोचकर बताना है। एक तो वेइंग मशीन के लिए हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या होगा, एक इन जनरल बताओ कि इन जनरल आपका मास चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारी मशीन है, जिस मशीन के थ्रू हम बताते हैं कि इतना मास है। ठीक है, क्या एक्चुअली में मास चेंज हो रहा होगा, वो भी सोच के आप बताना। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में भाई पूरा भर दो अच्छे तरीके से। ठीक है, इमेजिन करो कि आप भी बादलों से ऊपर पहाड़ पर आराम से वजन नाप रहे हो अपना। ठीक है, तो उस हिसाब से बताओ। ठीक है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आगे लाने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर बिल्कुल बताना कि भाई किन टॉपिक्स पर, किन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं गाइस लाइव, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।